हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दरअसल मैं अभी इंटरव्यू के लिए ही जा रहा था तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं जो गलतियां मैंने की हैं पिछले इंटरव्यू में, और जो गलतियां अक्सर लोग करते हैं जिनकी वजह से उनको वो जॉब नहीं मिल पाती जो वो डिज़ायर करते हैं, वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। तो आज हम उन सारी गलतियों को लिस्ट डाउन करेंगे और एक एक को डिस्कस करेंगे और आपको किस तरह से इन गलतियों को अवॉइड करना है ताकि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर पाओ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को मैंने चार सेक्शंस में डिवाइड किया है। अक्सर कैंडिडेट्स टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं पर बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, इंग्लिश पे बेसिक कमांड नहीं होता, उसकी वजह से वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम 3 से 4 साल अपनी टेक्नोलॉजी को सीखने में लगाते हैं, हम कुछ वक्त अपने इंग्लिश को सुधारने में, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को सुधारने में भी लगा सकते हैं। आगे जाके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि विद इन अ मंथ आप कैसे अपने इंग्लिश पे कमांड हासिल कर सकते हैं और एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। अक्सर लोग टेक्निकल चीज़ों में भी गलतियाँ करते हैं, मैं बताता हूँ वो कैसे। हम ये गलती करते हैं कि हम हर एक चीज़ सीखना चाहते हैं जो भी हमारे फील्ड से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज़ तो आप हर एक चीज़ पर एक्सपर्ट कभी नहीं बन सकते, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने 80-20 रूल के बारे में सुना होगा कि जो 20% होता है कोई भी चीज़ का वो 80% तक कवर कर लेता है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका 20% क्या है इस फील्ड में। उस 20% को आप एक्सपर्टाइज करिए और बाकी का जो 80% है उसको बस टच बेस करिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेवलपमेंट के इंटरव्यू में जाता हूँ तो मुझे ये पता है कि जावा जो है वो मेरा 20% है और जितने बाकी जितने भी टूल्स हैं या जितने भी टेक्नोलॉजीज है वो मेरा 80% है। तो गाइस, सबसे पहली मिस्टेक जो हम हमारे रिज्यूम में कर रहे हैं वो ये है कि हम चाहते हैं हमारे रिज्यूम में हम हर एक चीज़ इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जावा अच्छे से आता है और मैंने सिर्फ पीएचपी थोड़ा सा सुना है, शायद कभी छोटा मोटा उस पर काम भी किया होगा और मैं पीएचपी भी इंक्लूड कर दूंगा, तो बट ऑब्वियस सामने वाला ये एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे पीएचपी अच्छे से आता है। और अगर वो मुझसे उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ सवाल करने लगेगा तो मैं वहाँ पे जो है एक ख़राब इम्प्रेशन पेश करूँगा क्योंकि मुझे उसका आंसर्स नहीं आएंगे और जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो जो है ओवरशैडो हो जाएगा मेरे नेगेटिव पॉइंट की वजह से। सेकेंड गलती हम जो करते हैं वो ये है कि बहुत, या तो हम बहुत छोटा रिज्यूम बनाते हैं या तो हम बहुत बड़ा रिज्यूम बनाते हैं। छोटे रिज्यूम का मतलब है सिर्फ एक पेज का रिज्यूम जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही आपकी, और बड़े का मतलब ये है कि आप 3 से 4 पेज का रिज्यूम बना रहे हैं जिसमें आप भर भर के इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो आप प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन डालिए, सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन डालिए जितनी एक्चुअल में आपको, आप जिसमें कॉन्फिडेंट है, जो आपको बताना चाहिए सामने वाले को। इसके बाद जो गलती करते हैं वो ये है कि बहुत ही फैंसी रिज्यूम बनाते हैं, उसमें फ़ोटोज़ भी इंक्लूड करेंगे, उसमें अलग अलग कैलीग्राफी में हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी। इसके बाद जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम एक ही रिज्यूम हर जगह फॉरवर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर दिया गया है और आपको वो टेक्नोलॉजी आती है, तो आपको अपना रिज्यूम इस तरह से मोल्ड करना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी हाईलाइट हो आपके रिज्यूम में। उसी के तरह, उसी हिसाब से अगर कोई दूसरे इंटरव्यू में कुछ और स्किल्स का रिक्वायरमेंट है और आपको कुछ पता है कि आपको वो स्किल आती है, तो आपको वो पर्टिकुलर चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए। तो आपका रिज्यूम जो होना चाहिए वो हर इंटरव्यू के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम जॉब कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल जैसे नौकरी, लिंक्डइन, थर्ड किसी रेफरेंस के थ्रू। तो इनमें हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर ऑनलाइन पोर्टल की बात करूं, जैसे नौकरी.com की बात करूं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम हमारा प्रोफाइल 100% अपडेटेड नहीं रखते। हमको हमारा प्रोफाइल 100% अपडेटेड रखना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अब कंसल्टेंसी की बात करें तो आजकल जो है फेक कंसल्टेंसी बहुत सारी आ गई हैं जो सिर्फ आपसे पैसा लूटना चाहती हैं। वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं जॉब एश्योरेंस के लिए और आपको ये गारंटी देती है कि वो आपका जॉब प्लेस करा के देंगी। फॉर द सेक वो आपका 10 से 15 जगह इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगी जो मे बी सब टेक्निकल कंपनीज भी ना हो,
और सेकेंड चीज़ जो ये करते हैं वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं और आपको ये बोलते हैं कि जब भी आप फर्स्ट जॉब पे लगोगे, जब भी आपकी सैलरी आएगी तो वो सैलरी डिडक्ट करने के बाद आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस देंगे। तो इन स्कैमर्स से बचे रहिए। इसके बाद जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम जब भी किसी को मेल डालते हैं अपने रिज्यूम के साथ, हम बहुत ही बेसिक सा ईमेल लिखते हैं, उसमें इतना ही लिखा होता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, प्लीज़ फाइंड माई रिज्यूम। आपका जो मेल होता है वो आपका इनिशियल इम्प्रेशन होता है और कोई भी इंटरव्यूअर आपके मेल के अंदर जाके नहीं देखेगा कि आपने क्या क्या किया है। आपको जो भी आपका बेसिक डिटेल है वो आपको या तो सब्जेक्ट के अंदर मेंशन करना चाहिए या तो मेन कंटेक्स्ट के अंदर आपको लिखना चाहिए। सबसे पहले हमारा जहाँ पर भी इंटरव्यू शेड्यूल हो, हमको उस एरिया के बारे में, उस कंपनी के बारे में, वहाँ पे किस तरह से हमें पहुँचना है, इसके बारे में सारी डिटेल पहले से ही हमारे पास हो। इसके लिए अगर आप पुणे में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप मेरे दो वीडियोस देख सकते हैं, एक जो मैंने बनाया था हिंजेवाड़ी टूर के ऊपर कि हिंजेवाड़ी में कौन कौन सी कंपनीज हैं, हिंजेवाड़ी में कैसे पहुँचा जाए, आप वो वीडियो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के बाद मैंने और एक वीडियो बनाया जहाँ पर मैंने मगरपट्टा और हिंजेवाड़ी को कंपेयर किया है कि मगरपट्टा में क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है आपको, हिंजेवाड़ी में क्या फैसिलिटीज़ है और मगरपट्टा में कौन कौन सी कंपनीज़ है और हिंजेवाड़ी में कौन कौन सी कंपनीज़ है। तो वो भी वीडियो आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने यहाँ पर मैंशन किया है। यहाँ पर सबसे पहली जो गलती होती है वो ये होती है कि हम टाइम पर नहीं पहुँचते इंटरव्यू के लिए। उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप वॉक इन इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जितने सारे लोग आते हैं आप जितना लेट पहुंचोगे उतना लेट आपका नंबर आएगा, और जितना लेट आपका नंबर आएगा जब तक आप पहुंचोगे मे बी जो सीट्स अवेलेबल थी या तो वो फुल हो जाती है या तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो इतना थक जाता है इंटरव्यू ले लेके कि वो इंटरेस्टेड नहीं रहता आपका इंटरव्यू लेने में। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर होती है वो ये होती है कि अक्सर कंपनीज में एक टाइम फिक्स होता है कि 9 से 10 के बीच में ही जो आएंगे हम उन्हीं को लेंगे। अगर आप उसके बाद जाते हैं तो आप कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो, आपको गेट से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। जो तीसरी गलती हम करते हैं इंटरव्यू के समय वो ये है कि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस हमें आते हैं जिनका आंसर हमको पता नहीं होता, पर जस्ट फॉर द सेक हम उनका भी आंसर देना चाहते हैं और हम यहाँ वहाँ की बातें करके इंटरव्यू को घुमाते रहते हैं। हमको ये लगता है कि जो इंटरव्यूअर है हमारी इस चीज़ों से इम्प्रेस हो जाएगा। तो गाइस एक बात समझिए, जो इंटरव्यू लेता है वो आपके हाव भाव से ही पहचान लेता है कि आपको इस सवाल का आंसर नहीं आता। तो और जितना आप उसको घुमाएंगे आप उसका और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप अपफ्रंट ये बोल देंगे कि इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर मुझे नहीं आता है तो इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा कि आपने जो है उसका भी टाइम बचाया। इसके बाद जो लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा आप पिछली कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग पिछली कंपनी की, पिछले मैनेजर की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि मैनेजर अच्छा नहीं था, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था, वो लोकेशन अच्छा नहीं था, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं थे। तो हम क्या करते हैं, हम जस्टिफाई करने के लिए पिछली कंपनियों की, पिछली सिचुएशन की, पिछले प्रोजेक्ट की बुराइयां करने लगते हैं। तो ये हमको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूअर पे। और इंटरव्यू के एंड पे जब भी एचआर या इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो अक्सर लोग ये बोल देते हैं नो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। इनफैक्ट आपको उनके बारे में पूछना चाहिए, आपको इंटरव्यू के प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहिए, आपको क्या वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे वो प्रोग्रेस करने वाले, उसके बारे में पूछना चाहिए और ना कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। इससे इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं, आप कीन हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो ये क्वेश्चन को सही से आंसर करना बहुत ज़रूरी है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली तो जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर्टिकुलर वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। हम इस पर आगे भी और डिटेल में वीडियोस बनाएंगे कि आपको सबसे पहले इंटरव्यू देना किस तरह से है, आपको अपना रिज्यूम किस तरह से बनाना चाहिए और कंपनी का कल्चर कैसा होता है, कंपनी के अंदर काम कैसा होता है। तो गाइस अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइस इस वीडियो को शूट करने के लिए मैंने जो जो एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया है
उन सब का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहें तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे भी इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, कैंडिडेट्स रुके होंगे इंटरव्यू के लिए। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।